उप पुलिस अधीक्षक तावड़ू की हत्या में संलिप्त मुख्य आरोपी डंपर चालक सबीर उर्फ मित्र निवासी पच गांव को किया गिरफ्तार। राजस्थान के भरतपुर जिले के गंगौरा गांव से हुई गिरफ्तारी। निरीक्षक नरेश कुमार प्रभारी अपराध जांच शाखा नूह के नेतृत्व गठित टीम ने सबीर उर्फ मित्र को दबोचा। उप पुलिस अधीक्षक तावड़ू की हत्या के मामले में संलिप्त दूसरे आरोपी इक्कर निवासी पच गांव को निरीक्षक सुरेंद्र सिद्धू प्रभारी अपराध जांच शाखा तावड़ू के नेतृत्व में गठित टीम ने मुठभेड़ के बाद किया था गिरफ्तार। मुकदमा में नामजद दोनों आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे, अन्य आरोपियों की तलाश। वरुण सिंगला पुलिस अधीक्षक नूह ने प्रेस वार्ता कर सुरेंद्र सिंह HPS उप पुलिस अधीक्षक तावड़ू की हत्या के मुख्य आरोपी सबीर उर्फ मित्र को राजस्थान में पकड़ने में सफलता अर्जित की। कैसे पकड़ में आया DSP सुरेंद्र मांझू का हत्यारा बता रहे हैं वरुण सिंगला पुलिस अधीक्षक नूह। फायर नंबर 309 थी सदर तावड़ू की, इसके अंदर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है जिसमें आरोपी जो मुख्य आरोपी था सबीर उर्फ मित्र सन ऑफ इशाक वो हमारे को PS पहाड़ी थाने के एरिया से मिला है जो गांव गंगौरा गांव से हमारे को ये बरामद हुआ है। इसके लिए पुलिस टीम हमारी टोटल 10 टीम्स लगी हुई थी जो जितने भी इसके हाइड आउट्स थे जितने भी इनकी जानकारियाँ थी उन सभी जगहों पे रेड की गई थी। कम से कम हमने 30 से अधिक जगहों पे करीब हमने रेड की थी और हमें हर जगह से जो भी क्लूज मिल रहे थे उसको गैदर करते हुए फाइनली टीम को इसका हाइड आउट मिला और इसको वहाँ से पहुँचा। अपनी जगह बार बार बदल रहा था, जैसे जैसे इसको सूचना मिल रही थी कहीं ना कहीं से इसको भी टिप्स अपनी मिल रही थी पुलिस के पहुंचने पर ये वहां से भाग जा रहा था और फ़ोन इसने स्विच ऑफ किया हुआ था और इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस का ही हमने मेजरली यूज़ किया है, टेक्निकल इंटेलिजेंस हमारी इसमें काम नहीं आ रही थी और इसीलिए हमारे को थोड़ा समय लगा इसको पकड़ने में। लेकिन जब सभी तरफों से हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस एज वेल एज हमारी टाइमली रेड्स जब बार बार करते रहे तो उससे हमें सफलता मिली। गिरफ्तारी अभी शाम को हुई है तो उसके बाद यहाँ पर आने के बाद अभी पूछताछ नहीं हो पाई है, इसको कल हम इसके लिए पुलिस रिमांड के लिए अप्लाई करेंगे और पूरा डिटेल में इससे हम इंटरोगेशन करेंगे कि पूरे सिस्टम में इसके कौन कौन इन्वॉल्व हैं और उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर भी प्रॉपर हालात में नहीं था क्योंकि उसको कल जब गोली लगी थी उसके बाद से वो कुछ जो इंजेक्शन लगे थे पेन किलर लगे थे उससे वो थोड़ा नशे की हालात में था तो इससे पूरी तरह से पूछताछ नहीं हो पाई, दर्द के कारण भी वो पूरी तरह बता नहीं पा रहा था तो थोड़ा शॉक में था। तो इससे अभी डिटेल इंटरोगेशन के लिए हमने 5 दिन का पुलिस रिमांड लिया हुआ है और हमें उम्मीद है कि अब जब यह भी मुख्य आरोपी भी आ गया है तो दोनों की स्टोरी को क्रॉस चेक कर और पूरी सच्चाई को जानने का प्रयास किया जाएगा।